बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक मंडल द्वारा समय बहुत कम दिया गया है, आपसे तीन तरह की बातें करनी है, पांच नारा आपके साथ, अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय में दो चार बातें। इतिहास के अच्छे विद्वान मंच पर बैठे हैं पाठक जी, अगर कहीं इतिहास बताने में बच्चों को त्रुटि होगी तो सुधार करने में सहयोग प्रदान करेंगे। भारत माता की, नेता सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां, अब्दुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, आपसे अपने अतीत के विषय में कुछ बातें करना चाहूंगा। चूंकि आप 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो आपको अपने अतीत की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए, वर्तमान में उस पर का आप संकल्प लीजिए और भविष्य में उसको कुछ कर डालने की ठान लीजिए। गणतंत्र दिवस कैसे शुरू हुआ, इस राष्ट्रपति भवन की क्या गरिमा है, कहां से हमारे देश की व्यवस्था संचालित होती है, इसको जानना आपके लिए आवश्यक है, आपकी जनरल स्टडी में भी ये काम आएगा। देश आपका गुलाम था, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत में अपनी सत्ता का लोहा अंग्रेजों ने बनवाया। मराठा अंतिम युद्ध के साथ ये भारत में पूर्ण राज करने में सक्षम हो गए। चूंकि इन्होंने अपनी राजधानी कालीकट यानी कलकत्ता को बनाया था, 1912 में इन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कन्वर्ट किया। शासन चलाने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए आवाज की जरूरत पड़ती है। 1912 में रॉयल फिल्म्स के नाम से आपके यहाँ एक भवन निर्माण शुरू कराया गया, जो 17 वर्षों के अनवरत निर्माणाधीन रहा और 1929 में बनकर तैयार हुआ। इस बिल्डिंग को बनाने में जो नक्शा मैप बनाया गया, लुटियन नामक व्यक्ति ने तैयार किया था, और इस राष्ट्रपति भवन को बनने में उस समय 1929 तक 1,40,00,000 रुपए लगभग खर्च हुए थे। सबसे पहले जब आपके देश की आजादी का बिगुल बज गया, इस भवन में सबसे पहले भारतीय श्री राज गोपालाचारी थे, जिन्हें भारत के गवर्नर के रूप में सबसे पहले निवास करने का अवसर मिला था। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 26 जनवरी को इसका नाम बदलकर रॉयल सिल्स का नाम बदला गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले रॉयल सिल्स के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन नाम इसका कर दिया गया। आपके सारी व्यवस्था यहीं से संचालित होती है, पीएमओ यहीं है, राष्ट्रपति का कार्यालय यहीं है, संसद भवन के अलावा जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपके राष्ट्रपति भवन से ही संचालित किए जाते हैं। यद्यपि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जैसा कि अभी हमारे पाल बंधु ने उल्लेख किया, लेकिन इस तिथि की गरिमा को बनाए रखने के लिए तत्काल देश के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के युवा और तेतरराज नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इस तिथि को यादगार बनाने के लिए देश के नेताओं ने सोचा, क्यों ना हम इसे 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करें। यद्यपि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन, जो आज हमारे अभिमान का द्योतक है, इसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था, और साथ में 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर देश में संविधान लागू किया गया। तब से हम राष्ट्र
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन बच्चों विडंबना यह है कि उस समय के नेतृत्वकर्ता के बाद जिन लोगों के हाथ में हमारी बागडोर आई, उन्होंने इस चीज पर देश के युवाओं को या हम लोगों को वो शिक्षा नहीं दी जो राष्ट्र के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम में से 90% बच्चों को राष्ट्रगान नहीं याद है, राष्ट्र की महत्ता नहीं याद है, राष्ट्र के तिरंगे के विषय में नहीं याद है। हम क्या कर सकते हैं? जिसके अंदर राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं है वह पशु के समान है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, नहीं तो पीटी मार्ट साहब पीछे से खिंचाई करने लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।